Hello everyone and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will practice 40 MCQs of conjunctions so that your knowledge can become perfect. So let's start. Question number 1. He worked very hard. Blank. He got a first division. तो उसने बहुत हार्ड वर्क किया और उसे फर्स्ट डिवीजन मिला. ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है तो पॉजिटिव सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम एंड का यूज करेंगे. एंड का मतलब होता है और. सो योर आंसर विल बी एंड. Then question 2. The queen fought very bravely. Blank could not defend the fort. अब जो queen है वो बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन जो किला है उसे बचा नहीं पाई. तो अब ये sentence तो positive है लेकिन ये दूसरा sentence negative है. तो जब एक positive और negative sentence को combine करना रहता है हम but का use करते हैं. So your answer will be but. Question number 3. You can take a bus. Blank go in a taxi. तुम एक bus ले सकते हो या फिर taxi में भी जा सकते हो. अब यहाँ पर दो ऑप्शंस है कि बस से भी जा सकते हैं या टैक्सी से जा सकते हैं. तो जब दो ऑप्शंस या दो चॉइस रहेगी तो हमें और का यूज़ करना. सो योर आंसर विल बी और. देन क्वेश्चन नंबर 4. दे नाइदर लुक्ड एट हिम. ब्लैंक टॉक टू हिम. उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बात भी नहीं की. अब यहाँ पे वर्ड दिया है नाइदर तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है. सो योर आंसर विल बी नॉर. Then question number 5. The patient had died dash the doctor arrived. Options are before, after and then. अब patient की death हो गई doctor के आने से पहले. तो पहले के लिए जो word आएगा वो है before. Question 6. No sooner did the teacher enter the class dash the students stood up. तो teacher ने जैसे ही class में enter किया वैसे या तब बच्चे खड़े हो गए. तो इसमें word दिया है no sooner और नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है और वो भी THEN देन. तो ये हमें अच्छे से याद रखना है. ऑप्शंस में दोनों देन हो सकते हैं लेकिन नो सूनर के साथ THEN देन आता है. देन क्वेश्चन नंबर 7. हरी डिड नॉट गो टू स्कूल डैश ही वॉज इल. हरी स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो बीमार था. तो अब यहाँ पर हरी डिड नॉट गो टू स्कूल ये इसमें प्रभाव बताया गया है और ही वॉज इल ये इसका कारण है. तो जब प्रभाव पहले रहता है और कारण बाद में रहता है तो वहाँ पर कॉज आता है. बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. सो हरी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल. इसे अच्छे से समझ लेना है. जब भी प्रभाव पहले दिया रहेगा कारण बाद में रहेगा तो बिकॉज रहेगा. और यही सेंटेंस अगर उल्टा रहता तो इसमें सो आता. देन क्वेश्चन नंबर 8. बोथ राकेश ब्लैंक सुरेश आर इंटेलिजेंट. अब बोथ वर्ड इसमें यूज हुआ है. बोथ के साथ हमेशा एंड आता है. उसका मतलब दोनों और एंड का मतलब और. सो बोथ राकेश एंड सुरेश आर इंटेलिजेंट. बोथ के साथ हमेशा एंड ही आएगा. ये कुछ कंजंक्शन हमें अच्छे से याद कर लेना है कि किसके साथ क्या. देन क्वेश्चन नंबर 9. आइदर दे मस्ट कम टू द क्लास इन टाइम डैश स्टे आउट फॉर द होल पीरियड. तो या तो वे सभी क्लास में टाइम पर आए या फिर पूरा पीरियड भर क्लास से बाहर रहे. तो यहाँ पे वर्ड दिया है आइदर. आइदर के साथ हमेशा और आता. सो योर आंसर विल बी और. तो आइदर के साथ और आएगा. क्वेश्चन नंबर 10. द गर्ल ब्लैंक इज वियरिंग अ ब्लू साड़ी इज माई सिस्टर. तो लड़की जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है वो मेरी सिस्टर है. एंड योर ऑप्शंस आर हु विच एंड वेयर. हु किसी पर्सन के लिए आएगा, विच किसी चीज़ के लिए आएगा और वेयर किसी जगह के लिए आएगा. अब यहाँ पे दिया है द गर्ल, ये एक पर्सन है तो पर्सन के लिए आ जाएगा. सो द गर्ल हु इज वियरिंग अ ब्लू साड़ी इज माई सिस्टर. क्वेश्चन नंबर 11. वर्क हार्ड डैश यू विल फेल. हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. दो ऑप्शंस दिए इसमें. हार्ड वर्क करो नहीं तो फेल हो जाओगे और नेगेटिव सेंस भी इसमें आ रहा है. तो ऐसे सेंटेंस में हमें और यूज़ करना है. वर्क हार्ड और यू विल फेल. और दो ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है. या सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंस आ रहा है तो वहाँ पर भी हमें और ही यूज़ करना. देन क्वेश्चन नंबर 12. यू मे लूज द जॉब थैंक यू वर्क हार्ड फॉर इट. तो जब तक तुम जॉब के लिए हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम जॉब को लूज कर दोगे. तो जब तक के लिए जो कंजंक्शन यूज होगा वो है अनलेस. अनलेस का मतलब होता है जब तक. वेदर मतलब होता है चाहे और इफ का मतलब होता है अगर. तो जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तो जॉब को लॉस कर दोगे. सो योर आंसर विल बी अनलेस. देन क्वेश्चन नंबर 13. द बुक ब्लैंक इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन. ऑप्शंस आर हु विच एंड वेयर. अब यहाँ पे दिया है द बुक. द बुक एक चीज़ का नाम है. जब किसी चीज़ का नाम रहेगा तो चीज़ के लिए आता है विच. सो द बुक विच इज़ लाइंग ऑन द टेबल. देन क्वेश्चन नंबर 14. दिस बॉक्स इज ब्लैंक हैवी ब्लैंक आई कैन नॉट लिफ्ट इट. तो बॉक्स इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं सकता.
ऑप्शंस आर नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट एंड टू टू. नॉट ओनली बट ऑल्सो और टू टू में नॉट नहीं रहता है. इस सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सो दैट में नॉट दिया रहता है. सो दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मीन्स बॉक्स इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं सकता. देन क्वेश्चन नंबर 15, डैश माई फ्रेंड विजिट्स माई प्लेस आई फील वेरी हैप्पी. ऑप्शंस आर वाई, वेन एवर एंड वे. तो जब भी मेरा फ्रेंड मेरे प्लेस पर विजिट करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है. तो जब भी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है वेन एवर. वेन एवर माई फ्रेंड विजिट्स माई प्लेस आई फील वेरी हैप्पी. देन क्वेश्चन नंबर 16, द पम्प इज आइदर ब्रोकन ब्लैंक देयर इज अ ब्लॉकेज इन द पाइप. तो या तो पम्प टूटा हुआ है या उसमें कोई ब्लॉकेज है. अब इसमें आइदर वर्ड हमें मिल गया है तो आइदर के साथ हमेशा और ही आता है. सो योर आंसर विल बी और. देन क्वेश्चन नंबर 17, माई ब्रदर इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट ब्लैंक हार्ड वर्किंग. ऑप्शंस आर एंड बट ऑल्सो एंड बट. नाउ यू कैन सी इन द क्वेश्चन नॉट ओनली वर्ड इज गिवन हेयर. तो नॉट ओनली जब भी दिया रहेगा तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो ही आता है. सो योर आंसर विल बी बट ऑल्सो. सो माई ब्रदर इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्क. नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम दो पॉजिटिव क्वालिटीज को कंबाइन करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 18, डैश यू वर्क हार्ड यू कैन. अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे. तो अगर के लिए जो ऑप्शन आएगा वो है इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास. अनलेस होता है जब तक और बट होता है किंतु. तो ये दोनों यहाँ पर नहीं आएंगे. सो योर करेक्ट आंसर विल बी. देन क्वेश्चन नंबर 19, द वेदर इज टू हॉट ब्लैंक गो आउट. अब यहाँ पर वर्ड दिया है TOO, 2 के साथ हमेशा 2 ही आता है, TO2. सो योर आंसर विल बी TO2. सो द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट. दैट और बिकॉज तो इसमें आएगा ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 20, स्टॉप वरिंग ब्लैंक स्टार्ट लिविंग हैप्पीली. स्टॉप वरिंग वरी करना छोड़ देना है, स्टार्ट लिविंग हैप्पीली खुशी से रहना चालू करना है. दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो दो पॉजिटिव सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं. सो योर आंसर विल बी एंड. स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग हैप्पीली. क्वेश्चन नंबर 21, ऑल दो ही वर्क्स हार्ड डैश ही फेल्स. ऑप्शंस आर बट देन एंड. तो यद्यपि वो हार्ड वर्क करता है फिर भी फेल हो जाता है. तो फिर भी के लिए जो करेक्ट वर्ड आएगा वो है येट. ऑल दो ही वर्क्स हार्ड येट ही फेल्स. देन क्वेश्चन नंबर 22, बैंक राधा एंड मीरा आर ब्यूटिफुल. अब राधा और मीरा दो लोगों के नाम इसमें दिए हैं और एंड भी इसमें लगा हुआ है. सो योर आंसर विल बी बोथ. बोथ मीन्स दोनों और एंड का मतलब होता है और. तो बोथ और एंड ये दोनों भी हमेशा एक साथ आते हैं. सो योर आंसर विल बी. क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर जॉन स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग ब्लैंक द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम. मिस्टर जॉन ने एक्सरसाइज करना चालू क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया. क्योंकि के लिए जो करेक्ट वर्ड आएगा वो है बिकॉज. सो मिस्टर जॉन स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग बिकॉज द डॉक्टर एडवाइज हिम. देन क्वेश्चन नंबर 24, डैश डिड वी रीच द क्लास डैश इट बिगेन टू रेन. तो जैसे ही हम क्लास में पहुंचे वैसे ही बारिश होना चालू हो गई. सो योर करेक्ट आंसर विल बी नो सूनर. नो सूनर देन का हिंदी में अर्थ होता है जैसे ही और तब. तो जैसे ही वाला कोई भी सेंटेंस है तो उसमें हमें नो सूनर देन वाला ऑप्शन ही यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ एन एक्सीडेंट डैश आई वॉज वॉकिंग होम. ऑप्शंस आर आफ्टर वाइल एंड बिफोर. तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा जब मैं घर जा रहा था. तो जब के लिए जो वर्ड आएगा वो है वाइल. वाइल आई वॉज वॉकिंग होम. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा वेंट टू वर्क ब्लैंक बींग सिक. ऑप्शंस आर वाइल इन स्पाइट ऑफ एंड बिकॉज. तो मिस्टर शर्मा काम पर चले गए सिक मीन्स बीमार होने के बावजूद. तो के बावजूद के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद. तो बीमार होने के बावजूद वो काम पर चले गए. देन क्वेश्चन नंबर 27, आई कैन सेंड द ईमेल ब्लैंक नाउ और आफ्टर एन आवर. ऑप्शंस आर नाइदर आइदर एंड बिफोर. अब यहाँ पर देखेंगे और वर्ड दिया हुआ है तो और हमेशा आइदर के साथ आता है. सो योर आंसर विल बी आइदर. आइदर के साथ और आता है और नाइदर के साथ ना. देन क्वेश्चन नंबर 28, वुड यू लाइक टी कॉफी ब्लैंक कोल्ड ड्रिंक. अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक. तो जब भी ऑप्शंस दिए रहेंगे चॉइस रहेगी तो उसके लिए हमें और यूज़ करना है.
So your answer will be or. So would you like tea, coffee or cold drink? Then question number 29. Blank, my grandmother is old. She is very fit. So यद्यपि मेरी जो grandmother है वो old है फिर भी वो fit है. तो यद्यपि के लिए जो correct option आएगा वो है although. So although my grandmother is old, she is. Next question. Rohan gave me blank food but also money. Now you can see but also word is present here. तो but also जब भी आएगा तो but also हमेशा not only के साथ आता है. So your correct answer will be not only. Not only और but also ये हमेशा एक साथ आता है. Not only but also का हिंदी में अर्थ होता है न केवल बल्कि. Next question. Mohan blank Sohan went to the market. अब यहाँ पे मोहन और सोहन दो नाम दिए हैं तो जब भी दो नामों को कंबाइन करना है तो हम एंड का यूज़ करेंगे. सो योर आंसर विल बी एंड. सो मोहन एंड सोहन वेंट टू द मार्केट. देन क्वेश्चन नंबर 32. माय फ्रेंड वेटेड फॉर मी ब्लैंक आई केम बैक. ऑप्शंस आर अनटिल देन एंड इफ. तो मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए वेट किया जब तक मैं वापस नहीं आ गया. तो जब तक के लिए ऑप्शन आएगा अनटिल. क्वेश्चन नंबर 33. My father felt asleep dash watching a movie. Options are until, while and if. So my father felt asleep. तो मेरे पापा सो गए मूवी देखते हुए. मतलब जब वो मूवी देख रहे थे तब वो सो गए. Your correct answer will be while. My father felt asleep while watching a movie. Means जब वो मूवी देख रहे थे तब वो सो. Then question number 34. My mother is sick, blank, she wants to go to office. तो मेरी मम्मी बीमार है लेकिन फिर भी वो ऑफिस जाना चाहती है. तो फिर भी के लिए करेक्ट वर्ड आएगा yet. My mother is sick, yet she wants to go to office. Then question number 35. They sowed seeds, blank, the earth is soft. उन्होंने सीड्स उगाई जहाँ अर्थ सॉफ्ट थी. तो जहाँ या प्लेस के लिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वेयर. दे सोड सीड्स वेयर द अर्थ इज सॉफ्ट. देन क्वेश्चन नंबर 36. आई लाइक एन एप्पल ब्लैंक नॉट अ मैंगो. मुझे एक एप्पल पसंद है पर एक मैंगो पसंद नहीं है. अब लाइक एन एप्पल ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन नॉट अ मैंगो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो वहाँ पर हम बट का यूज़ करते हैं. बट मीन्स किंतु. देन क्वेश्चन नंबर 37. आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ये रीज़न दिया हुआ है और आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल ये उसका इफेक्ट है कि फीवर है इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है. तो जब रीज़न पहले रहेगा और उसका इफेक्ट बाद में दिया रहेगा तो ऐसे सेंटेंस में हमें सो का यूज़ करना है. सो मीन्स इसलिए. सो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर मैं फीवर से सफ़र कर रहा हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ. सो आंसर इज सो. देन क्वेश्चन नंबर 38. आनंद लाइक्स साइंस ब्लैंक मैथ्स. आनंद को साइंस और मैथ्स पसंद है. तो अब ये दो सब्जेक्ट है दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं. पॉजिटिव क्वालिटीज़ को ऐड करने के लिए हम एंड का यूज़ करेंगे. सो आनंद लाइक्स साइंस एंड. देन क्वेश्चन नंबर 39. The question is blank difficult that I cannot solve. Question इतना difficult है कि मैं इसे solve नहीं कर सकता. यहाँ पे word दिया है that. That के साथ हमेशा so ही आता है. So your answer will be so. So the question is so difficult that I cannot solve. तो compound conjunctions जब भी दिए रहते हैं तो हमें उसका pair ढूंढना पड़ता है कि इसके साथ दूसरा word क्या. Then question number 40. Strike blank the iron is hot. स्ट्राइक तब करना है जब लोहा जो है वो गर्म होता है. तो जब के लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है वाइल. सो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज. सो आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज MCQs एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑफ कंजंक्शन एंड यू कैन ऑल्सो टेल बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन प्रैक्टिस कंजंक्शंस एंड इट्स MCQs. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल.